हेलो फ्रेंड्स, एफ के इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिक्सर ग्राइंडर की जो जार है उसके बारे में बताएंगे। इसको कई लोग तो इसको बाटी भी बोलते हैं, तो फ्रेंड्स हम इसको जार ही बोलेंगे। तो इसमें क्या क्या बीमारी आती है और किस तरह ठीक होते हैं, तो इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए, कस्टमर ने ऑयल डाल दिया था इसकी जाम होने की वजह से। तो इसमें ज़्यादातर जाम होते हैं या फिर बूश ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें तो सिर्फ जाम ही दिखाई दे रहा है, देखिए एकदम बहुत जाम हो। तो इसमें भी जाम है, लेकिन कस्टमर ने ऑयल डाल दिया था फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो हमारे पास लेके आया रिपेयर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में घंटी भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो जार है तो इसको सबसे पहले हम छोटी वाली से शुरू करेंगे। तो देखिए, इसमें एक नॉब दिखाई दे रहा है आपको, तो इसको खोलना है। तो अगर ये नहीं खुलते हैं तो हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, नहीं खुल रहे, तो हम इस ऊपर से भी खुल सकते हैं। देखिए, ऊपर एक नट है, इसको राइट तरफ घुमाएंगे तो ये खुल जाएगी। तो देखिए, ब्लेड भी निकल आया। तो अब हम इसको खोलने की कोशिश करेंगे। देखिए, एकदम बहुत जाम हो गया इसमें, तो हम ठोक रहे हैं इसको डोर की मदद से, तो फिर भी कोई असर नहीं हो रहा इसमें। देखिए, हम फिर ठोक रहे हैं इसके अंदर। देखिए, फिर देखते हैं, ये खुलता ही नहीं है, इसके अंदर कोई असर नहीं हो रहा है। तो लगता है इसको ऑयल डालना पड़ेगा इसके ऊपर। देखिए, हम थोड़ा ऑयल डाल दें इसमें, तो इसको ऑयल दे के थोड़ा रखना है और उसके बाद ठोकना है। देखिए, हम ठोक रहे हैं एक लोहे की मदद से, अब धीरे धीरे निकल गया। देखिए, ये निकल आया, ये बहुत ही जम हो रहा था उसमें, क्योंकि ये चलाया नहीं था, बहुत दिन बैठा करके रखा था, तो इसको चलाना चाहिए, इतना ज़्यादा दिन तक इसमें नहीं रखना है। तो अब हम इसको घिसेंगे थोड़ा, क्योंकि ये जाम हो गया था तो इसके टाइट हो गया था, तो थोड़ा घिसना ही पड़ेगा, तब जाके ये फ्री होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह सीरीज की मदद से घिसना है। थोड़ा घिसने के बाद ये उसमें थोड़ा जो कार्बन लगा है वो हट जाएगी, तो एकदम बिल्कुल फ्री हो जाएगी। तो अब हम इसको ऑयल देंगे थोड़ा, बस हो गया। देखिए, अब इसको में थोड़ा, इसमें भी थोड़ा देना है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया, तो अभी इसको ऑयल डाल देंगे इसमें थोड़ा, और इसमें भी देखिए, तो ऑयल डालने के बाद ये फ्री हो जाएगी। अब हम इसको लगाएंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ जो दो वॉशर है उसको भी देना है, नहीं तो फिर से जाम हो जाएगी, नहीं तो अप डाउन होगा थोड़ा। तो वॉशर देने के बाद उसको ब्लेड को रखना है सही तरीके से, और जो नट है उसको टाइट कर देना है। ये जब आप लेफ्ट की तरफ, मतलब जैसे कि हम खोलते हैं बाकी सब नट को, तो उसी तरह ये खोलने से टाइट हो जाते हैं। जब हम खोलने की कोशिश करेंगे तो ये टाइट हो जाएगी। देखिए, अब फ्री हो गया एकदम बिल्कुल। तो इस तरफ भी देखिए, ये एकदम फ्री हो गया, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब हम इसको रखेंगे, अब दूसरे बड़ा वाला को ठीक करेंगे। देखिए, कपड़ा से इधर पकड़ के और हाथ से घुमाएंगे तो खुल जाएगी। ये देखिए, राइट तरफ घुमाया तो खुल गया। तो इसको इधर से थोड़ा, कपड़ा से थोड़ा इधर घुमाएंगे तो खुल जाएगी। देखिए, ये खुल गया, और इतना ज़्यादा नहीं टाइट था इसके, उसके हिसाब से ये थोड़ा कम ही टाइट था। तो इसको पहले हम साफ कर लिया था, उसके जैसा हम आपको दिखाया नहीं है। तो देखिए, हम इसमें ऑयल डाल के लगा दिया, तो उस तरफ से
ये कपलिंग को लगाना है, एक वॉशर डाल देना है इसमें, जो वॉशर था उसमें। ये भी देखिए लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे तो ये टाइट हो रहा है, इसका उल्टी दिशा तरफ टाइट होते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह कपड़ा हाथ में लेके थोड़ा टाइट करना है, क्योंकि हाथ में भी लग सकता है, ये तुम धार रहता है इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल फ्री हो गया एकदम, इस तरफ भी देखिए। तो अब ये बिल्कुल ठीक हो गया देखिए, तो अब दोनों बार मतलब जार भी ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह का आपके घर में भी कोई जार अगर जाम है तो इस तरह ऑयल डाल के खोल के आप लोग ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो आज के लिए इतना ही।